हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। फ्रेंड्स, आई एम शिवम शर्मा, प्रीवियसली आई वाज इन IDBI बैंक, नाउ सेलेक्टेड इन बैंक ऑफ बड़ौदा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कोविड न्यूज़ पार्ट वन। कोविड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो सारी हम इस वीडियो में देखेंगे, एंड ये पार्ट वन है। पार्ट टू भी मैं जल्दी ही लेके आऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। कोरोना वायरस, जैसा आप सब लोगों को पता है, इट वॉज डिस्कवर्ड इन वुहान, हुबई प्रोविंस, चाइना। सो वुहान का हुबई प्रोविंस है एंड वो चाइना में है। प्रीति माहेश्वरी, फर्स्ट इंडियन पेशेंट, ये जो पेशेंट थी प्रीति माहेश्वरी, ये फर्स्ट इंडियन पेशेंट थी जो कोरोना से इफेक्टेड हुई इन चाइना। कॉज्ड बाय SARS-CoV-2, ये कोरोना वायरस जो फैलता है वो SARS-CoV-2 नाम के वायरस से फैलता है। ऑर्गेनाइजेशन सब देखते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या रिलीज़ किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया फर्स्ट ग्लोबल कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म फॉर प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस। प्राइवेट सेक्टर बिजनेस के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। IMF ने लॉन्च किया गवर्नमेंट पॉलिसी ट्रैकर। IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने गवर्नमेंट पॉलिसी ट्रैकर लॉन्च किया। ITU दैट इज़ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU ने लॉन्च किया ग्लोबल नेटवर्क रेजिलियंसी प्लेटफॉर्म। ITU ग्लोबल नेटवर्क रेजिलियंसी प्लेटफॉर्म। चलिए अब इनके हेडक्वार्टर देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में, IMF का है वॉशिंगटन US में, एंड ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब कुछ अदर कंट्रीज के इनिशिएटिव। UK ने अनाउंस किया हर्ड कम्युनिटी नाम से UK ने अनाउंस किया। फिलीपींस ने सबसे पहले अपने फाइनेंशियल मार्केट वर्ल्ड में क्लोज कर दिए थे कोरोना के चलते। म्यांमार ने इंस्टॉल करी कोरोना वायरस स्क्रीनिंग डिवाइस एट बॉर्डर विद इंडिया। सो म्यांमार जो कंट्री है उसने कोरोना वायरस स्क्रीनिंग डिवाइस इंस्टॉल कर दी अपने बॉर्डर पे, जो इंडिया के साथ उसका बॉर्डर है। अब कुछ फंड्स देखते हैं। PM मोदी प्रपोज द क्रिएशन ऑफ COVID-19 इमरजेंसी फंड इन द सार कंट्रीज। सो सार कंट्रीज में एक फंड बनाने के लिए PM मोदी ने एक अपनी बात रखी और इंडिया ने 10 मिलियन दिए इस फंड को, सार कंट्रीज वाले फंड को, सार कंट्रीज इमरजेंसी फंड को जो कोविड के लिए था, इंडिया ने 10 मिलियन दिए और सार का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। अब UN ने लॉन्च किया ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान, वो था 2 बिलियन का। UN जो आपका यूनाइटेड नेशन है उसने 2 बिलियन का ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस प्लान लॉन्च किया। ADB ने 20 बिलियन कोरोना वायरस रेस्क्यू पैकेज निकाला, ADB 20 बिलियन कोरोना वायरस रेस्क्यू पैकेज। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्स $1 बिलियन इमरजेंसी फंड फॉर इंडिया टू कॉम्बेट कोरोना वायरस। सो वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन इमरजेंसी फंड दिया इंडिया को कोरोना वायरस के लिए। सार्क डेवलपमेंट फंड $5 मिलियन फॉर COVID-19 प्रोजेक्ट। सो सार्क डेवलपमेंट फंड $5 मिलियन फॉर COVID-19 प्रोजेक्ट। ADB ने 1.5 बिलियन लोन दिया इंडिया को टू फाइट कोरोना वायरस पेंडेमिक। ADB दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने 1.5 बिलियन लोन दिया इंडिया को टू फाइट कोरोना वायरस पेंडेमिक। अब AIIB दैट इज एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, उसने $500 मिलियन लोन दिया इंडिया को कोविड के लिए AIIB ने। वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन दिया इंडिया को अपनी मैरीन रिसोर्सेज ठीक करने के लिए, टू सेव इट्स मैरीन रिसोर्सेज, जिससे वो अपनी मैरीन रिसोर्सेज की सेफ्टी देख सके। वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन इंडिया को। SIDBI ने इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल दिया 1 करोड़ टू MSME। SIDBI
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, इसने इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल दिया 1 करोड़ टू MSME। चलिए अब इनके हेडक्वार्टर देख लेते हैं। ADB का मनीला फिलीपींस है, AIIB का बीजिंग चाइना है एंड वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन US में, इवन IMF का भी वाशिंगटन। अब फर्स्ट इन इंडिया देखते हैं कोविड के रिलेटेड। सो फर्स्ट डेडिकेटेड COVID-19 सेंटर सेटअप बाय रिलायंस इन मुंबई। सो रिलायंस ने मुंबई में एक फर्स्ट डेडिकेटेड COVID-19 सेंटर सेटअप किया मुंबई महाराष्ट्र में, और इसमें 1 लाख मास्क पर डे ये प्रोड्यूस करते हैं। सो आप ये याद रखिए। केरला फर्स्ट स्टेट विथ कोरोना एंड डिक्लेयर कोरोना एज स्टेट डिजास्टर। सो केरला फर्स्ट स्टेट था जहाँ पे कोरोना का पेशेंट हमें मिला एंड डिक्लेयर कोरोना एज स्टेट डिजास्टर, उसने कोरोना को स्टेट डिजास्टर भी मान लिया। और केरला ही फर्स्ट स्टेट था जिसमें प्लाज्मा थेरेपी अप्रूव करी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, और वो करी श्री चित्रा मेडिकल इंस्टीट्यूट में। गोवा एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा टू फाइट कोरोना, गोवा ने एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा अपनाया टू फाइट कोरोना। उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड, सो पूल टेस्टिंग ऑफ कोविड डन बाय उत्तर प्रदेश। राजस्थान रैपिड टेस्टिंग ऑफ कोविड, सो डोंट कन्फ्यूज, उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग, राजस्थान रैपिड टेस्टिंग, ये मैं अपनी वीडियोस में ऑलरेडी कवर्ड है। उत्तर प्रदेश जियो टैग कम्युनिटी किचन, सो उत्तर प्रदेश का जियो टैग कम्युनिटी किचन है रिलेटेड टू कोरोना। उत्तर प्रदेश इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स, वर्चुअल कोर्ट्स की इन हाउस फैसिलिटी। तेलंगाना COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम, तेलंगाना COVID-19 मॉनिटरिंग सिस्टम। एक्शन कोविड टीम ग्रांट्स, सो इट इज़ फॉर कोविड, ये पूरा वर्ल्ड वाइड एक फंड है एक्शन कोविड टीम ग्रांट्स, ये 100 करोड़ का है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन फर्स्ट रेलवे स्टेशन है जहाँ पे सैनिटाइजिंग टनल लगी, इट्स द फर्स्ट रेलवे स्टेशन अहमदाबाद। इंडिया का पहला टॉप स्मार्ट सिटी है इन हैंडलिंग कोविड, अहमदाबाद इंडिया टॉप स्मार्ट सिटी इन हैंडलिंग कोविड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका उत्तराखंड में है। क्वारंटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल, सो वहाँ पे क्वारंटाइन फैसिलिटी एनिमल्स को भी दी गई है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी इन लखनऊ, ये पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी हुई, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। बायोन, बायोन ने लॉन्च करी इंडिया फर्स्ट COVID-19 होम स्क्रीनिंग टेस्ट किट, जिसमें आप घर पे ही टेस्ट कर सकते हैं, वो बायोन ने लॉन्च करी। अब कुछ मोर इनिशिएटिव, PM केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, प्लीज इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिए। SBI इसका बैंकिंग पार्टनर है, इवन आई थिंक 2 बैंक्स को और इन्होंने इंक्लूड किया था। फंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, सो PM केयर का जो फंड है वो टैक्स के एग्जेम्प्ट होता है, बाहर है वो टैक्स से, अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये सब ऑलरेडी कवर्ड है मेरी वीडियोस में। PM केयर फंड एलोकेट्स 3100 करोड़, सो जो PM केयर फंड है वो 3100 करोड़ एलोकेट करता है। वंदे भारत मिशन, ये एयर इंडिया का मिशन था अपने जो सिटीजन्स हैं अदर कंट्रीज़ में। समुद्र सेतु, ये इंडियन नेवी का मिशन था फॉर मालदीव्स, इंडियन नेवी मिशन फॉर मालदीव्स समुद्र सेतु। नाउ सम स्टेट्स अगेन, छत्तीसगढ़ डोनेशन ऑन व्हील्स, सो रिमेंबर इट, छत्तीसगढ़ का है डोनेशन ऑन व्हील्स। केरला ब्रेक द चैन, केरला ब्रेक द चैन। और हिंदुस्तान यूनिलीवर विद यूनिसेफ, यूनिसेफ के साथ मिलके हिंदुस्तान यूनिलीवर ने हैज़ ब्रेक द चैन, हैज़ ब्रेक द चैन, सो प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज हेयर। छत्तीसगढ़ डोनेशन ऑन व्हील्स, केरला ब्रेक द चैन, हिंदुस्तान यूनिलीवर विद यूनिसेफ हैज़ ब्रेक द चैन। इफ़को, इफ़को जो आपका फार्मिंग की जो कंपनी है उसने ब्रेक द कोरोना चैन, ब्रेक द कोरोना चैन। सो दिस वॉज द न्यूज़, ये पार्ट 1 था
पार्ट टू भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊँगा, एक पार्ट में कवर करना इम्पॉसिबल था। सो प्लीज़ इसको देखिए, रिवाइज़ करिए अगेन एंड अगेन। एंड मैं ऑलरेडी अप्रैल से वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, काइंडली उन्हें भी देखिए। एंड जुलाई से मैं डे बाय डे अपलोड करूँगा वीडियो इन द फॉर्म ऑफ डेली जीके अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट।